Good morning, everyone, and welcome to today's magic book reading session. Today we are on chapter number 25, Cue the Magic. फिर से बच्चे बन जाओ और यूनिवर्स के साइंस और सिग्नल्स पकड़ो. आज का ये चैप्टर है. सो बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डे 24. दी यू आर ऑन म्यूट. आई डिड. नाइस प्रियंका, व्हाई यू नहीं किया? आज करूंगी अनुपमा. नहीं किया. गुड गुड. कल वाला मेरा भी बाकी है अनुपमा. एक चीज नहीं किया क्या भाभी? सॉरी. हाँ मैं भी आज करूंगी. मेरा भी दो तीन दिन से बैकलॉग ही हो रहा है. पता नहीं भैया के बर्थडे के बाद से थोड़ा बैकलॉग लग गया. आज करूंगी सारे इनकम्प्लीट. ओके. या प्रियंका. अनुपमा एक चीज बताओ, जो कल वाला असाइनमेंट है मेरी भाभी के लिए लिख सकती हूँ? शी इज एक्सपेक्टिंग, उसके लिए लिख सकती हूँ ना? हाँ मैजिक वॉन्ड किसी के लिए भी कर सकते, मतलब दूसरों के लिए ही करनी है अपने को. हाँ लिख सकते ना, फॉर बेबी, उनका बेबी के लिए, हेल्थी के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और खूब सारी कृतज्ञता दो उस बेबी को, बेबी के आने के लिए. फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ में आता है. अच्छा चलो, कैसे लिखेंगे? मतलब क्या लैंग्वेज, क्या वर्ड्स? फॉर्मेट दिया ना कल चैप्टर में. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सॉरी सॉरी. पहले विजुलाइज करना है 60 सेकंड्स के लिए और फिर वो लिखना है थैंक यू फॉर उनका नाम और थैंक यू फॉर जो भी हेल्थ हेल्थ के लिए करोगे तुम. हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस. आशिका है. थैंक यू आशिका फॉर, मतलब कैसे लिखते? थैंक यू फॉर आशिकाज हेल्थ. अच्छा अच्छा ठीक है. और हेल्थ में थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहो तो सेफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. वो भी तो कर सकती है, द मैग्निफिसेंट आउटकम टू हैविंग अ बेबी ऑफ माय ब्रदर एंड भाभी. देखो किसके कोई भी एक्सरसाइज करो, अल्टीमेटली अपने को थैंक यू बोलना है और विजुलाइज करना है कि वो सेफ हो गया है, सब कुछ इस दुनिया में सब लोग खुश हैं, मदर फादर खुश हैं, हेल्दी है मदर, ये सब विजुलाइज करो. ठीक है. अभी बहुत टाइम शी इज हैविंग, मैंने क्या कितना मंथ हुआ है? एट्थ मंथ चल रहा है दीदी उनका, उसका 23 मार्च को डेट दिया डॉक्टर ने. क्या बात है. वाओ आई माय बर्थडे. ओके. वैसे मैं बताना जा रही थी कि नेक्स्ट सेशन शायद शाम का टाइम निकल रहा, शाम एज इन रात 8:30-9 बजे के. बेस्ट अनुपमा बेस्ट. मैंने बोला है किसी को किसी के लिए, तो उन्होंने बोला है कि हाँ श्योर, अगर ये टाइम है तो शी कैन डू. रात का क्या? 9 बजे का. और कल मुझे एक क्वेरी आई, सेंट पॉल्स में मेरे साथ पढ़ती थी, उनके कोई देवर के लिए आई थी कि हिंदी में करो. बट व्हेन आई वाज मार्केटिंग फॉर हिंदी, नोबडी टर्नड अप, नोबडी टर्नड अप. पर इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है अनुपमा, दे अंडरस्टैंड, तुम समझाती बहुत अच्छे से हो. हिंदी भी वो बहुत समझ जाएंगे पूरा सेशन. मैं बोली उसको कि आप हिंदी की बुक खोल लेना और वो समझाती पूरा हिंदी में है, सो कनेक्ट हो जाएगा एकदम आराम से. वही मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि तू भेज देना उसको नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे अगर उसे अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे. एंड शी इज लाइक एक दिन का 1000. मैंने कहा अबे एक दिन का नहीं है, 30 डेज का 1000. तेरे मुंह में जितना घी और जितना शक्कर भरना है भर, एक दिन का. मैंने कहा आऊंगी आऊंगी उस लेवल पे आऊंगी, लाखों रुपए लूंगी मैं भी अश्विनी मैम की जैसे.
लोग बताएंगे सबको, देखो जो तुम 30,000 में करो ना हमने 1,000 में चढ़ाया गया। नाइस। अश्विन मैम कितना लेती है अनुदी? अभी 22,000 कर दिए भाभी उन्होंने। इनकी फीस 28 डेज की। इस बार उन्होंने एक क्या बोलते हैं कोर्स ऑर्गेनाइज किया है 4 months का, रोंडा वन की चारों किताबें 22,000 रुपीस। लेकिन वो सुबह 5 बजे ही करती है सेशन, कोई और टाइम नहीं करती है। क्योंकि वो सेशन मॉर्निंग का ऐसा रहता है ना कि पॉजिटिव रहते हैं, दिन स्टार्ट होता है। प्लस शी इज इनटू सैलून इंडस्ट्री, तो 9 बजे से तो उनकी गाड़ी चालू हो जाती है। शी इज क्वाइट अ बिजी पर्सन। आपने जब किया था 5 to 6 किया था क्या मॉर्निंग? हाँ 5 AM बैच, वो ही बैच लेती है और कोई बैच ही नहीं। स्टार्ट अनुपमा, हाउ डिड यू स्टार्ट ये बुक? तो आई हैड मतलब यूएस में देखो इतना डिप्रेशन हो जाता है ना, तो यू सर्च फॉर थिंग्स, और प्लस सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, तो 2011-12 मेरी लाइफ में भी कुछ हुआ। सो इस पाथ पे पहले मुझे बुद्धिज्म के बारे में बताया था गरिमा जैन ने, अपनी क्लासमेट थी ना। अच्छा हाँ हाँ गरिमा, हाँ उसने मुझे बुद्धिज्म के बारे में बताया, वो सब ओम नमो रेंगे के जो भी ओम मेव रेंगे के वो वाला चैंट भी बताया उसने। पता नहीं मुझे कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे ये नारायण रेकी करके होता है उसके बारे में पता चला। होता है। मुझे कनेक्ट हुआ ही नहीं। फाइनली आई गॉट इनटू द सीक्रेट बुक, उसके बाद में ये द मैजिक के बारे में पता चला। तो अब ठीक है, चल रही थी गाड़ी मेरी लाइक नॉर्मल हो गई थी मैं। और फिर एक दिन मामा के लड़के, फिर यहाँ इंडिया आई ना मैं, तो मैं ये ढूंढ रही थी कि हार्ड कॉपी मुझे मिल जाए इसकी। मुझे नहीं पता था अमेजोन पे मिलती है, मैंने कभी सर्च ही नहीं करी। और हमारे एक नेबर है पुराने अपार्टमेंट में, तो मैं उनको भी बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो उनसे बातचीत होती रहती थी कि हाँ द सीक्रेट की हार्ड कॉपी चाहिए, ऐसे चाहिए। तो फिर फाइनली एक दिन ननियाल ग्रुप में मामा के लड़के ने एक भेजा कि द सीक्रेट द मैजिक के सेशन का वो भेजा, अश्विन मैम का। अच्छा, बिना कुछ सोचे मैंने तुरंत रजिस्टर कर लिया। और फिर उनसे करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार, फिर मैंने अगले महीने कुछ 4-5 लोगों को जो हमारे रिश्तेदारों में से हैं, मेरे फ्रेंड्स में से हैं, उनको रेफर किया कि करो तुम, ये करो, जरूर करो, इट्स गुड। उन लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी ना यार, लाइक थैंक यू ये सेशन बताने के लिए, थैंक्स सो मच, ऐसे मतलब लिटरली इतनी दुआएं मिली। मैंने कहा यार बताने से इतनी मिल रही है, तो पता नहीं करने से तो कितनी मिलेगी। सो दैट्स हाउ आई थॉट कि मुझे करना है बस। और फिर एक दिन सुलभ का फोन आया, पागल है क्या, क्यों नहीं करती है तू, तेरे में बोलने की क्वालिटी है, ये है वो। मैंने फिर रोल आउट कर दिया, मैंने कहा चलो यार देखेंगे जो होगा देखेंगे, रोल आउट कर दिया। सुलभ हैज डन गीता 3 times। अच्छा, या आई डिडंट नो दिस, सुलभ वाज नथिंग इन द एकेडमिक्स इन आवर स्कूल। अरे he was academics, कुछ नहीं होता है आजकल। अब बताओ वेयर ही इज राइट नाउ, टोटली बिट्स से पढ़ा है ना शायद। हाँ, टोटली चेंज्ड। बात में बहुत दम है उसके, मतलब द वे ही टॉक्स, बिकॉज ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल थिंग्स ही डू, उससे बहुत मैजिक आता है अनुपमा। ये तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिविटी क्या कुछ भी नहीं होता, घर के काम ऑफिस के काम इसमें उलझ के रह जाते हैं। आज मैंने एक बुक की समरी पढ़ी है, सुनी है, सॉरी, डिटॉक्स योर माइंड। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ उसके, देखते हैं, शेयर करूंगी सब लोगों से, शेयर करूंगी। हाउ टू कम आउट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, हाउ टू कम आउट ऑफ नेगेटिव। मेरे पास द सीक्रेट थी, मेरे कॉलेज से मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट करी, वो मेरे सामने मेरे बेडरूम में रखी हुई, मेरे कंप्यूटर टेबल पर वो रखी है। उधर उधर देखो दीदी, उनके पास भी बुक थी। हाँ, I have a book, मैंने पढ़ी भी, मैंने उसको पढ़ा, पर पता नहीं क्यों फॉलो ही नहीं हुआ मुझसे, हुआ ही नहीं, फॉलो ही नहीं कर पाई। बस पढ़ती हूँ, जो लिटरेचर पढ़ते हैं ना अपन की, पढ़ना है वैसे पढ़ती जा रही थी, पर वो फॉलो करना ही नहीं आता था। yeah. तो बस ऐसा हुआ।
काफी कुछ मैजिक बुक का तो देखो ऐसा है कि मैंने जब खुद ने करी तो ऑब्वियसली उतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना व्हेन यू डू इन अ ग्रुप, तो लोग इंस्पायर करते हैं, प्लस समवन इज कॉन्स्टेंटली ऑन योर हेड कि होमवर्क किया होमवर्क किया होमवर्क किया, तो मुझे भी लगा कि हाँ ग्रुप में करनी चाहिए ये बुक। और यही बुक नहीं, इनफैक्ट कोई भी बुक में ना हम लोगों को पुश चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में बिजी इंसान हो जाते हैं, डाइवर्ट क्या बोलते हैं डिविएट होना बहुत आसान है लाइफ में। बिजी नहीं, खुद को भूल जाते हैं, खुद की प्रायोरिटी लास्ट में होती है और दूसरों को पहली फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वन, और हम 10 पर होते हैं, तो जिंदगी झंड हो जाती है खराब। सही बता, पहले हम है बाकी तुम हो, सो उल्टा दैट इज द करो। रीजन मैं मानसी और ज्योति जो पिछले बैच की हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। अभी हम लोग द पावर पढ़ रहे हैं साथ में, उससे पहले मिरर वर्क पढ़ चुके हैं, तुझे पता है हमारे हम साथ हाँ में। अब ये टाइम मेरे को सूट होता है अनुपमा, 7 to 8 मैं फ्री हूँ, 8 के बाद तो मेरी क्लॉक चालू जाती है, मुझे बहुत सारे काम है तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। अरे मुझे तो तेरे पति को मिलाना है इस सेशन में वो मुझसे पूछते हैं डेली वो भी आएंगे। ओके निधि हैज जॉइन्ड इन, गुड मॉर्निंग निधि। गुड मॉर्निंग। एनी शेयरिंग एनी डाउट्स? आई डिड येस्टरडेज एक्सरसाइज अरे वाह, एंड देन आई वेंट इनटू इट नॉट थिंकिंग कि आई वुड फील व्हाट आई फेल्ट, लाइक माई विल वो 1 मिनट के विजुअलाइजेशन में आई हैड हैप्पी टीयर्स इन माई आईज, लाइक वेरी यू आर वेरी इमोशनल गर्ल यार। एंड मतलब आई कुड फील वो सामने वाले की खुशी से, हैप्पीनेस, आई कुड फील हैप्पीनेस एंड देन आई लिटरली हैड हैप्पी टीयर्स इन माई आई, आई वाज लाइक ओके आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इट वाज नाइस, गुड। यू हैव अ गिविंग नेचर, दैट्स व्हाट आई कुड फील फ्रॉम द योर यू नो शेयरिंग्स। उस दिन थर्ड चैप्टर में भी तुम्हारे को फीलिंग हुआ, हेल्थ के चैप्टर में भी तुमको हुआ, और अभी आज भी यू हैव अ गिविंग नेचर। जिनको सिर्फ देना आता है ना उनको बहुत जल्दी दूसरों की इमोशंस से ना, मेरे को भी तुम लोग अगर कोई भी थोड़ा सा शेयरिंग करते हैं ना मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। दादा डे पल्लवी आजमित, आप रो रहे हो क्या? मुझे हंसी में भी आंसू आते हैं, मुझे रोने में भी रोना ही आता है। खैर मैं तो मतलब कोई मूवी देख रही होती हूँ तत्ता 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 शुरू हो जाता है मेरा। अरे मेरे को बोलते हुए प्रियंका पानी की बाल्टी रख दूं क्या, मक्कट जाएगी भाभी लॉग आउट हो गया उनका लगता है, नेट वगैरह कुछ अपनी। ठीक नहीं दिव्या है। क्यों नहीं आई? दिव्या के बेटे का बर्थडे था परसों तो उसमें बिजी है वो, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी यस्टरडे। अभिषेक की तबीयत खराब है। ओ ओके, निखिल क्यों नहीं आ रहा है? बदमाश बच्चा। सो या मैं निधि हैज जॉइन इन लेट, तो मैं बता रही थी कि मेरा नेक्स्ट सेशन शायद रात का ही टाइम फिक्स हो रहा है, वंस आई कम बैक फ्रॉम जयपुर, तो वही 20 फेब के बाद में कोई भी डेट पे शुरू कर देंगे। जयपुर कब आ रही हो? 5 तारीख को ग्रेट, मिलेगी क्या? हाँ मिलते हैं ना अपन लोग, मास्क वास्क पहन के मिलना पड़ेगा। क्यों कुछ नहीं होगा, वी आर पॉजिटिव पीपल, हमें कुछ नहीं होगा। ओके वाओ थैंक यू माय लैपटॉप, चल जा। ओके आ गई क्या भाभी वापस? मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, पता नहीं बीच में। या आई कुड सी दैट। ओके डे 25, क्यू द मैजिक। आज की पिक्चर में ये जो मूवी डायरेक्टर की चेयर है और लाइट्स है और ये एक वो क्या बोलते हैं ना उसमें ऐसे आवाज देते ना,
अरे वो लाउड स्पीकर जैसा कुछ रहता ना, ऐसे भोपू बोलते अपने यहाँ पे हिंदी में तो। भोपू हाँ, कुर्सी के साइड में वो रखा हुआ है, और कुर्सी के ऊपर क्या है बताओ, क्या है वो? कैमरे की वो होती ना, क्लिक क्लैप। 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 सो जब वो क्लैप आती है तभी एक्शन एंड दैट क्लैप। सो वो क्लैप इज द क्यू फॉर द एक्टर और एक्ट्रेस टू स्टार्ट एक्टिंग, मतलब एक्शन लेना शुरू करना है वो क्लैप। सो आज का चैप्टर है कि वो यूनिवर्स भी हमें ना क्लैप्स देती है। ओके क्लैप, तो हमें बस एक्शन लेना है। फिर कोई साइन या कोई सिग्नल मिल रहा है हमारे को, और हमारे को उस पर एक्शन लेना है। वो साइन पहचानना है आज से हमें। क्यों ये चैप्टर नंबर 25 रखा गया? बिकॉज अब जाके हमारे में वो क्या बोलते हैं ना, माइंड हमारा उतना क्लियर हो गया है, नेगेटिव थॉट्स से हट गई हैं, से हट के थोड़ा बोझ कम हो गया है। अब हम पहचान सकते हैं वो साइंस, वो सिग्नल्स। ओहो ओके, मैं तो बाबू प्लीज चल जा चल जा। लाइफ इज प्लेफुलनेस, वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। पहला शब्द तो रीडिस्कवर। रीडिस्कवर मीन्स इट्स ऑलरेडी देयर, इट वॉज ऑलरेडी देयर, लेकिन खो गया हमारे हाथों से। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें मैजिक दिखता था, लेकिन आजकल किसी चीज़ से हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हो रहा है, चल रही है गाड़ी। वी नीड टू प्ले, हमें कायनात के साथ में ये गेम कॉन्स्टेंटली खेलते रहना पड़ेगा। वो कुछ क्यों दे रही है, हमें उसको पकड़ना है और एक्शन लेना है। वो दे रही है, हमें पकड़ना है, एक्शन लेना है। ये कांस्टेंट प्ले है हमारा। ये जैसे क्रिकेट में नहीं होता कांस्टेंटली, क्रिकेट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप ऑडियंस हो, या तो ऑफ फील्ड हो, या ऑन फील्ड हो। क्रिकेट क्या, किसी भी स्पोर्ट में यही होता है। सो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि अपन सबको मोस्टली सबको क्रिकेट आता है। तो ऑडियंस में बैठ के अपन क्या कर रहे होते हैं, अरे यार ये वाला कट क्यों मारा, अबे पकड़ 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 पकड़, अरे ये क्यों ऐसे किया, अरे छोड़ दिया यार क्या। लेकिन खुद को अगर जाके वहां खेलना पड़े तो विल यू बी एबल टू प्ले बेटर देन दैट प्लेयर? पता नहीं, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड, दे आर ट्रेंड। और वो लोगों से गलती हो रही है तो आप सिर्फ कमेंटिंग कर रहे हैं वहां पे बैठ के। यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर जस्ट कमेंटिंग, ब्लैबरिंग। सिर्फ वहां बैठ के ना, कायनात ने ऐसे कर दिया, कायनात ने वैसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये बोल रहे हो, लेकिन एक्शन क्या ले रहे हो तुम? उस यूनिवर्स ने अगर तुम्हारे साथ में कुछ किया तो उसके बदले में तुम एक्शन क्या ले रहे हो, वो नहीं सोचते हम सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाते हैं। यूनिवर्स हमारे को बैंगलोर लेके आना चाहती है, हम बैंगलोर आ जाते हैं। यूनिवर्स हमारे को यहाँ से यूएस ले जाना चाहती है, हम यूनिवर्स चले जाते हैं, सॉरी यूएस यूएसए चले जाते हैं। मतलब जो स्थितियां हमारे सामने आती हैं हम उस पे चलते रहते हैं बस। क्यों हम नहीं सोचते कि ये कुछ क्यूज दी है यूनिवर्स, तो मैं उसे पकड़ूं और कोई चीज समय से पहले अपनी लाइफ में ले आऊं, या कोई चीज अपनी लाइफ में लेके ही ना आऊं? क्यों हम उसके साथ में वो गेम नहीं खेलते ऑन द फील्ड कि ओके अभी यूनिवर्स ने बॉल डाली है, अभी मुझे इसको स्क्वायर कट करना है या मुझे लॉन्ग कट करना है। सो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली प्ले टू रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। कल संजना दी ने एक शेयर किया था ना कि बच्चे बन जाओ, बचपन में चले जाओ। सो दैट्स व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट टुडे। फिर से वो बचपना, वो अलर्टनेस, वो अलाइवनेस लेके आनी है अपने अंदर, ताकि छोटी छोटी चीज़ों में ना क्यूज पकड़ सके हम। एंड ट्रस्ट मी, मिलियंस ऑफ मिलियंस क्यूज देती है एक ही दिन में यूनिवर्स, लेकिन आज का चैप्टर हमारे को सिर्फ 7 क्यूज ढूंढने हैं। वो क्यूज क्या हो सकते हैं उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। लेट्स हैव अ रीड अप। रीड अप, रीड अप। मैं पढूं? श्योर दी, थैंक यू। प्रियंका प्लीज म्यूट योरसेल्फ, पीछे से थोड़ा वॉइस आ रहा है। क्यू द मैजिक। लाइफ इज प्लेफुलनेस, वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। ट्रस्ट
Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. Yeah, पहले का जमाना तो रहा नहीं अब कि अपन इतने मेडिटेशन करते हैं, इतना योग करते हैं कि भगवान आएंगे, तथास्तु बोलो, क्या सॉरी क्या बोल बच्चे, क्या चाहिए तेरे को? एक चक्री घूम रही होगी भगवान के पीछे और पूछेंगे क्या चाहिए तेरे को, बोल. ऐसे तो होता नहीं है आजकल तो, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकते, इसलिए कुछ 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 सिग्नल्स भेजते हैं वो. आप रास्ता क्रॉस कर रहे होगे, अगर भगवान को चाहते नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो तो आपसे कैसे भी करके ब्रेक लगवा देंगे, कुछ भी हो जाएगा. गाड़ी में कोई बैठा है उसको टॉयलेट आ जाएगी, गाड़ी में कोई बैठा है उसको पानी पीना होगा, या सामने से कोई गाय निकल के आ जाएगी, कोई बिल्ली निकल के आ जाएगी, कुछ होगा ताकि आप वहाँ रुक जाओ. कभी नहीं होता अरे अच्छा हुआ यार मैं यहाँ पे रुक गया था वरना ये हो जाता. तो वो क्या है, वो क्यू है भगवान का. भगवान खुद नहीं आ पाए इसलिए गाय को भेजा, बोले जा थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करके आ ताकि उसकी स्पीड कम हो. लाइक दैट क्यूज भेजते हैं भगवान आजकल. खुद तो आ नहीं सकते हैं हर एक जगह पे. दैट्स व्हाई ही आई मीन गॉड यूजेस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गिव यू साइंस. द यूनिवर्स नोज यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड टू ब्रिंग फोर्थ योर ड्रीम्स, सो इट प्लेज इट्स पार्ट इन द गेम बाय गिविंग यू पर्सनल क्यूज टू रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. अब कुछ examples दे रही हैं author. ध्यान से सुनो. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. जो भी चीज हमारे सामने टक 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 क्लिप वाइज क्लिप आती जा रही है, आपको रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं, क्यूज आते जा रहे हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस निकली अपने सामने से, सॉरी पुलिस कार निकली अपने सामने से, तो हम सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए. कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, ऐसा सोचिए. ऐसा मतलब मैजिक क्यों दे रही है भगवान. अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, उसका शुक्राना कीजिए. हमारे यहाँ तो मतलब वैसे तो एम्बुलेंस अगर जारी होते ना तो हम लोग उसको दुआएं दे रहे होते हैं कि जो एम्बुलेंस में है भगवान उसको अच्छा कर देना. ये यूजुअली मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि मतलब एम्बुलेंस जा रही है तो एक सेकंड की दुआएं दे दो उसको, जो कि अपनी कल की एक्सरसाइज थी मैजिक वॉन्ड. राइट राइट. इफ यू वांट टू चेंज द वेट ऑफ योर बॉडी व्हेन यू सी अनदर पर्सन विद योर परफेक्ट वेट, इट्स योर मैजिक क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी थैंकफुल फॉर योर परफेक्ट वेट. लेकिन अपन क्या करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं कि रे यार इतना खाती पीती है, जंक फूड खाती है, खाता है, फिर भी देखो उसका वेट ही नहीं बढ़ता है और हम यहाँ पे हवा पानी पे ही मोटे हुए चले जा रहे हैं. यही बोलते हैं हम लोग अक्सर. बट वी शुड बी थैंकफुल कि जो क्या बोलते हैं, जो आइडियल वेट है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, तभी आप अट्रैक्ट करोगे उसको. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors.
हर चीज में कोई ना कोई साइन छुपा है फॉर यू टू बी ग्रेटफुल, हमें बस उसे पहचानना है। घर में किसी के रिलेटिव के प्रेग्नेंट होने की हमें खबर मिलती है, हम उसे बधाई देते हैं, यस बधाई दो, लेकिन अपने अगर आपके बच्चे हैं तो उन अपने बच्चों के लिए भी शुक्र मतलब ग्रेटफुल रहो उसी उसी मोमेंट पे। नहीं है तो जो बच्चा होने वाला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुलनेस दो, ताकि आपकी लाइफ में भी बच्चा जल्दी आए। जैसे जैसे आप बैंक के या एटीएम के पास से गुजरते हैं, भाई पैसे होंगे तभी तो कोई बैंक में खड़ा होगा, तभी तो कोई एटीएम गया होगा, या तो निकालने गया होगा या डिपॉजिट करने गया होगा या विड्रॉल करने गया होगा। तो पैसों का ट्रांजेक्शन करने के लिए अपन उस जगह से गुजरते हैं, तो थैंक यू बोलो कि हाँ मेरे पास आज पैसे हैं, तभी तो मेरा बैंक में खाता है। घर आते हो तो घर के लिए, फैमिली के लिए, नेबर का कॉल आता है या नेबर कुछ लेके आता है या नेबर दूर से ही कभी हाय बाय कर लेते हैं अपन, बी ग्रेटफुल फॉर योर सराउंडिंग्स, फॉर योर क्यूज। जितना अपन ग्रेटफुलनेस देते रहेंगे इन क्यूज के लिए, उतना ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट अपने लिए इनवाइट करते रहेंगे और अट्रैक्ट करते रहेंगे। Yes. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Yes. So November का जब batch शुरू हुआ था ना दिवाली वाला, तब मैंने ये लिखा था, sunroof वाली car खरीदेंगे हम लोग, मतलब खरीद ली है हमने, और उसमें ऐसे सनरूफ पे मैं ऐसे करके फोटोज ले रही हूँ, ये वो लिखा था मैंने ड्रीम। धनतेरस पे हमारी ही नेबर ने वो सनरूफ वाली वही कार खरीद ली और मेरा फेवरेट कलर ब्लू, वही ब्लू कार खरीद ली। एंड मुझे पता चला दिवाली के नेक्स्ट दिन जब हम मिठाई देने गए कि उन्होंने कार खरीद ली, आई वॉज लाइक स्टंड थी मैं कि अरे यार ये क्या हुआ। अब मेरे पास दो चॉइसेस है कि मैं एक तो जेलस हो जाऊं कि कार का ड्रीम लिखा मैंने, ले इन्होंने ली, और दूसरा है कि मैं ग्रेटफुलनेस मतलब उसको एक क्यू समझूं भगवान का कि हाँ तुझे ये कार चाहिए थी ना, देख पड़ोसी के पास मैं आ गई है, ग्रेटफुलनेस दे दे तो तेरे पास भी आ जाएगी। सो वी नीड टू बी अलर्ट एंड हमेशा ये ओके बॉल आ रही है मेरी तरफ, ओके मैं कैच करने के लिए रेडी हूँ टाइप्स, हमेशा अपने को प्लेफुल रहना पड़ेगा। यस Nice. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's a magic cue to be grateful. The आवाज थोड़ी दबने लगी, स्पीकर थोड़ा दब गया है क्या? क्या तू रीडर चेंज कर लो? Yeah, can we have a new reader? Thank you, Dee. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. So har cheez mein apne ko na थैंक यू के वो निकालने हैं पॉइंट्स, कि अच्छा पर्दा खोला सुबह के लिए थैंक यू, पर्दा बंद किया भगवान ने हमें पूरा दिन दिखाया और रात अब दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग सुनाई दिया किसी ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग के लिए मतलब मॉर्निंग मेरी अच्छी जाए उसके लिए थैंक यू, किसी को थैंक यू बोलते हुए सुन लिया अपन ने, ग्रेटफुलनेस मतलब ईच एंड एवरी टाइम हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा हमारे सामने इस तरीके के क्या बोलते हैं क्लैप्स आती रहेंगी और हमें बस फिर एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स वो क्यू देना ही बंद कर देगी, वो क्यू देने बंद हो गए तो हम ग्रेटफुल ही होने भूल जाएंगे, हम ग्रेटफुल होना भूल गए तो हमारे ड्रीम्स हमसे दूर चले जाएंगे। देयर आर अनलिमिटेड एंड क्रिएटिव वेज द यूनिवर्स हैज टू magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong.
because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि मुझे कैसे पता कि ये क्यों है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वो जो आपने आपको फर्स्ट थॉट आया ना, हाँ वही क्यों है। कोई डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए कि आपका क्यों क्या होगा, आपको जो फर्स्ट थॉट आ गया वही आपका क्यों है। आपके सामने से अगर कुछ ऐसी चीज़ गुजरी और आपके दिमाग में ये थॉट आया कि हाँ ये तो मेरे लिए बढ़िया है, वाकई में आपके लिए वो बढ़िया चीज़ है, वो मतलब यूनिवर्स आपको कभी गलत क्यू दे ही नहीं सकती। यू कैन नेवर बी रॉन्ग, वॉट एवर द फर्स्ट थॉट केम टू यू दैट इज योर क्यू। आपको कोई काम करने से पहले डर लग गया, वो वाकई में काम करने के लिए आपको सोचना चाहिए। अगर कोई काम करने से पहले ही आपको खुशी महसूस हो गई ना मेरा तो ये काम बनने वाला है, वो पक्का बनेगा ही बनेगा वो काम आपका। क्यूज आएंगे आपके सामने टक 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 टक, पहला जो आपका थॉट आ गया उस क्यू को देखते ही वही आपका क्यू है। नो वन कैन टीच यू, आई कैन नॉट टीच यू, दिस बुक कैन नॉट टीच यू व्हाट इज अ क्यू, हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्यू, आप ही अपने लिए डिसाइड करेंगे, बिकॉज यू कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड अ क्यू, यू कैन नेवर बी रॉन्ग, यू आर ऑलवेज राइट। क्यू द मैजिक हैज बिकम अ डेली गेम I play, and with the practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It has become a daily game. रोज का है ये, आज सिर्फ आज की असाइनमेंट नहीं है, ये डेली का गेम बन गया है अब आज से अपना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ना बोरिंग और डल लोग अच्छे नहीं लगते। दो बच्चों में से एक अगर चंचल है और एक अगर डल बोरिंग अपनी किताबों में खोया हुआ या अपने फोन में खोया हुआ रहता है, किससे बात करना चाहोगे आप? जो चंचल होता है, जिसकी आंखों में एक स्पार्क होता है। सो यूनिवर्स भी ना अपने से तभी बात करेगी व्हेन यू आर दैट चंचल, दैट अलाइवनेस, दैट लाइक फुल ऑफ लाइफ, हमेशा रेडी टू प्ले अ गेम रहते हैं, फोन में घुसे हुए नहीं रहेंगे या सोते हुए नहीं रह जाएंगे हम, तभी यूनिवर्स हमारे को वो क्यूज देती रहेगी, हम ग्रेटफुल होते रहेंगे, ड्रीम जल्दी पूरे होते रहेंगे। इट नेवर सीजेस टू थ्रिल एंड अमेज मी हाउ द यूनिवर्स फाइंड्स न्यू वेज टू क्यू मी टू सेट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू मोशन। यस, यूनिवर्स इज वेरी क्रिएटिव, ऐसी ऐसी चीजों में क्यों मिल जाएंगे ना आपको, आप सोच भी नहीं सकेंगे। मतलब कभी आप पार्क में बैठे हैं, अचानक से एक बटरफ्लाई आके आपके हाथ पे बैठ गई, क्यों? आप कुछ वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से कोई बात आपको स्ट्राइक की, क्यों? और ये सोशल मीडिया वाला क्यों तो मुझे इतने मिलते हैं आप पूछिए मत। मतलब एक बार वो देख रही थी मैं, एक डांस शो आता है इस पे, कोई तो भी एक डांस शो देखती हूँ मैं, जो अभी तो बंद हो गया, तो उसका उस सीजन में ना ये आए थे मराठी कपल, वेरी फेमस, नदिया के पार का हीरो सचिन और उसकी वाइफ सुप्रिया पाठक। सो वो दोनों आए, दे बोथ आर लाइक इस उम्र में भी उनको देख के ना इतना मैडली इन लव विथ ईच अदर वाला फीलिंग आया, मैडली इन लव विथ ईच अदर वाला फीलिंग आया मेरे को। मतलब उसी दिन हमारा ये क्यू द मैजिक चैप्टर था, एंड आई वॉज लाइक या दिस इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप दैट आई हैव विथ माई हस्बैंड। वो जो उन दोनों का एक वो था ना, एक दूसरे के साथ में गेम्स खेलते रहना, मतलब जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि वो एक दिन रो रही थी तो पलंग के नीचे जाके छुप गई, मतलब पलंग के नीचे जाके रो रही थी, उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनको रोते हुए देखे तो वो पलंग के नीचे जाके रोती है। और सचिन इतना परेशान हो गए पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ गई, परेशान होकर रोते रोते कहाँ चली गई वो। तो मतलब ये जो एक प्लेफुलनेस थी ना दोनों के अंदर, उसके लिए मैंने उस दिन फिर ग्रेटफुलनेस दी। मुझे सोशल मीडिया पर तो एन नंबर ऑफ टाइम्स मिलते हैं जब भी, हालांकि मैं अब तो बहुत कम यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया, मोस्टली यूट्यूब ही यूज़ करती हूँ आजकल तो, लेकिन
गजब के क्यूज आते हैं इसमें, यू नीड टू बी ऑलवेज अलर्ट. हो सकता है वो देखते देखते मैं सिर्फ उसको एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम देख के भूल जाती, लेकिन अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा. ये तो चलो उस दिन मेरा चैप्टर ही क्यू द मैजिक था तो मैं अलर्ट थी, बट अदरवाइज ऑल्सो एवरी डे यू नीड टू बी अलर्ट. यू कैन गेट क्यूज इन ई एनी वे, मतलब क्रिएटिव वेज. यस. When I receive a phone call from a friend or a family member, it's a cue to be grateful for him on her, or her. When someone says, isn't it a beautiful day? It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says that they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. So author has given a few more examples. आपको पूरे दिन में ये एग्जाम्पल से कनेक्ट कर करके अपने लिए क्यूज ढूंढने हैं. 7 क्यूज ढूंढने हैं आज अपने को. कुछ भी क्यू हो सकता है, पर्दा खोला, पर्दा बंद किया, सामने से किसी का फ़ोन आया, या किसी कोई अखबार पढ़ रहा है, या मतलब हर चीज़ में क्यू मिलेगा आपको. और ऑथर ने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या क्या क्यूज़ निकल सकते हैं आपको. कल 7 ढूंढ के मैं बता रही हूँ, 7 तो यूँ मिल जाएंगे आपको, यूँ 7 से भी ज़्यादा मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट 7 तो मिनिमम आपको ढूंढने ही हैं. बी अलर्ट, कल आके शेयर करना क्या क्या मिले आप लोगों को. टू प्ले क्यू द मैजिक टुडे, ऑल यू हैव टू डू इज बी अलर्ट एनफ टू टेक 7 मैजिक क्यूज फ्रॉम द यूनिवर्स ड्यूरिंग द डे एंड गिव थैंक्स फॉर ईच वन ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude, magical power, is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. Yeah. So, अगर हमने 24 exercises एकदम honesty, integrity के साथ में करी है, commitment के साथ में करी है, तो अब तक हमारे में वो power आ गया है कि यूं चुटकी में अपन आज 7 cues तो ढूंढ लेंगे. 7 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं obviously, because universe is just throwing the balls, you just need to catch it. So, कल कितनी balls catch करी आके बताइएगा कि कितने catches आपके नाम पे लिखने. फिर दूसरा है ये point की The many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up. क्या कहना चाहती हूँ आकर, सोए रहते हैं क्या हम लोग? Yes, हम सोए ही रहते हैं. हम अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं, हम अपने कामों में घुसे रहते हैं, हम अपने बुक्स में घुसे रहते हैं, लेकिन जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे सामने से वो आके बस बह के चले जाते हैं. चिकने घड़े के ऊपर से जैसे पानी बह के चला जाता है, वैसे बह के चले जाता है. उसको पकड़ो, समझो यूनिवर्स क्या बात करना चाह रही है तुम्हारे से. हमेशा ऐसे ऑन रखो अपना ये दिमाग की, ओ ये तो क्यों नहीं था, ओ वो तो क्यों नहीं था. हमेशा खेलते रहो इस गेम को.
कैलेंडर में मार्क कर लो कुछ दिन कि इस दिन मैं क्यू द मैजिक गेम खेलने वाली हूँ यूनिवर्स के साथ में या खेलने वाला हूँ. और एक बार आप ये खेलने की आदत बना लिए तो बहुत मतलब यूनिवर्स को भी ना फिर मजा आएगा. वो भी फिर आपको इस तरीके से बोल घुसाते हो फिर देखती हूँ पकड़ता है क्या, इस तरीके से लगाती हूँ देखती हूँ पकड़ती है क्या, मतलब क्यू पे क्यू आने लग जाएंगे अपने को. सो यूनिवर्स क्यू द मैजिक, ओके ब्रिंग इट ऑन. वो वाइब बोलते हैं ना ब्रिंग इट ऑन बेबी. सो अपन यूनिवर्स को बोल रहे हैं ब्रिंग इट ऑन. यस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25, क्यू द मैजिक. पॉइंट नंबर वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, reread your list and at the end of each blessing say thank you thank you thank you and feel as grateful for the that for that blessings blessing as you can. Point number two, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number three, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you Priyanka. Thank you Anupama. Count your blessing or magic rock ki exercise same hai. Aaj hamare ko game khelna hai universe ke saath mein. और आज ही नहीं रोज खेलना है और मिनिमम 7 तो कैच करने ही है अपने को. यूनिवर्स बॉल पे बॉल डालती जा रही है, अपने को 7 क्यूज ढूंढ के लाने ही हैं कल तो फॉर श्योर. जैसे ही क्यू मिले उस पर्टिकुलर क्यू के लिए ग्रेटफुलनेस देनी है हमारे को. हेल्थ का मिला हेल्थ के लिए, मनी का मिला मनी के लिए, जिस भी चीज़ का क्यू मिला तुरंत थैंक यू बोलना है और कल आके मेरे साथ शेयर करिएगा आप लोग. और क्यों क्या होगा कैसे होगा थोड़े बहुत एग्जाम्पल ऑथर ने दिए हैं आपके लिए. वो क्यों है या नहीं ये आप ही डिसाइड कर सकते हो. मैं नहीं बता सकती आपको कि क्यों क्या हो सकता है आपके लिए. वट एवर फर्स्ट थॉट केम टू योर माइंड, वो बटरफ्लाई आके आपके हाथ पे बैठी और आपके थॉट आया कि हाँ मेरी लाइफ अब कलरफुल होने वाली है, यस दैट्स द क्यू. वही क्यों है जो आपने समझा वही क्यों है, आप कभी गलत नहीं समझ सकते. जैसे ये थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट है तो इसमें हम लोग किसी को देख के बोलना है या वी कैन एक माइंड में एक विजुअल बना लें किसी का भी. नहीं नहीं विजुअल नहीं बनाना है आपको, क्यूज आएंगे मतलब कोई आपके सामने से. जैसे इस एग्जांपल से बात करूँ तो कोई परफेक्ट वेट वाला आपको चाहिए वैसा परफेक्ट वेट वैसा फिगर और वैसी बॉडी और वो आपके सामने से गुजर रहे हैं तो रादर देन फीलिंग जेलस कि क्या बॉडी दी है यार भगवान ने इसको, ऐसे बोलने की बजाय अपने वेट के लिए अपने परफेक्ट वेट के लिए थैंकफुलनेस दो. फिर वो परफेक्ट वेट जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. या कोई सोशल नेटवर्किंग भी इंस्टा पे को देख रहे हैं या बिल्कुल बिल्कुल यस यस. Any questions? No questions? Any sharings? Magic book session भी एक बहुत बड़ा क्यू है कि यूनिवर्स हमको बहुत प्यार करते हैं. यस यूनिवर्स हमें देने के लिए रेडी है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते करते हैं. मतलब मेरा फॉर एग्जांपल दी के से रिलेट करके बताती हूँ कि मेरा मैसेज इनके सामने से आया कि आई एम डूइंग अ वर्कशॉप फॉर ऑल. चाहती तो ये उसको नहीं पकड़ती, चाहती तो उसको इग्नोर मार देते हैं, लेकिन इन्होंने पकड़ा उस पर क्लिक किया, शी ज्वाइन द वर्कशॉप और वर्कशॉप से फिर सेशंस. ये क्यों क्यों पकड़ लिया इन्होंने, शी टुक द एक्शन. सो क्यू मिला क्लैप एक्शन और इन्होंने एक्शन ले लिया. अनुदी ये क्यूज तो एक्चुअली समझ में आते हैं कि जैसे अभी आपने वर्कशॉप की एग्जांपल दिया, हेल्थ का भी हो जाता है. मेरे साथ भी होता है कई बार हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो लगता है यार उसका ऐसे प्रॉब्लम है तो देख के लगता है यार कम से कम अपन ब्लेस्ड है. थैंक यू. बट जैसे आप बोल रहे हो ना कि किसी की हेल्थ ये
लाइक किसी का वेट देख के ये फील करना कि आई एम इन परफेक्ट वेट, ये क्यूज थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं ये क्यूज ना, क्योंकि देखते ही अपने दिमाग में पहले नेगेटिव आ जाता है भाभी। हाँ मतलब ऐसा है काश नेगेटिव नहीं है, ऐसा है जैसे सपोज कर किसी के बाल देखे बहुत अच्छे हैं, काश मेरे बाल भी ऐसे हो जाते। वही 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 ना जेलस। वो काश काश बोलते रहते हैं इसीलिए वो काश ही रहता है हमेशा, वो केश काश ही रहते हैं अपने हमेशा। उन केशों को अपने पास लेके आने के लिए उसके लिए पहले थैंक यू बोलो तब मैं आऊं। वो वाली बात है। एक और चीज अपन लोग गलत करते हैं वो होता है कि अपन लोग है ना अपने आप को उस पे सीसॉ पे बिठा देते हैं। हाँ कि मैं ऊपर वो नीचे, ऐसा है क्या तो मेरे पास तो चलो ये चीज है, दैट इज आल्सो अ रॉन्ग बिहेवियर एक्चुअली। हर समय अपने आप को ऊंचाई वो करना चाहते हैं मैंने लाइक every time we are judging, every time we are like constant है ये हमारे अंदर। We are the best ऐसे सोचने से अच्छा है कि we are in the best world like ऐसे। Like whatever we have is best। जब तक अपन जो है अपने पास उसके लिए कृतज्ञता महसूस नहीं करेंगे तब तक कायनात और नया क्यों देगी? बच्चों को भी खिलौने की कदर नहीं होती है तो नया खिलौना नहीं दिलाते हैं parents। तो universe भी जो आपके पास already best community like सभी को ही अच्छा मिले, सभी को ही अच्छे हों। मैंने वही ना नेबर वाला एग्जांपल कि अगर मैं जलन महसूस कर लेती हूँ उनकी कार से तो वो कार मेरे से दूर चली जाती। शायद हो सकता है 5-6 महीने में हम खरीद लें, वी डोंट नो, लेकिन वो और दूर चली जाती अगर मैं जलन महसूस करूँ तो। तुमने इसको कॉन्शियसली किया होगा ना अनुपमा, थैंक यू, ये एकदम से आ गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस आ गया बिकॉज मुझे 7 महीने तो ही गए ना था। एंड वी हैव टू डेवलप, ये हमें डेवलप करना पड़ेगा हमें। इट्स अ प्रैक्टिस, दिस बुक इज अ प्रैक्टिस, इट्स नॉट वन टाइम कि भैया आज होमवर्क कर लिया अब मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। वैसे तो देखो अभी 21 डेज से आप लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो तो आप लोगों को नहीं लगता व्हाट यू वर at the start of the session January 6th, उससे एक difference आया है from what you are, thankfulness अब अपने आप याद आ जाती है आप लोगों को। हाँ changes तो हुए हैं no doubt, जो पहले छोटी छोटी चीजों में नहीं दिखता था वो अब observe होने लग गया है कि हाँ इसके लिए thank you, हाँ यार ये है इसके लिए thank you बोलो। yes abundance का mindset आने लग जाता है अपने पास में कि बहुत कुछ दिया है भगवान ने हमें, हम फालतू ही रोटते पिटते रहते हैं। So, वो अबंडेंस का माइंडसेट एक बार आने के बाद ही और अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। रोते पिटते रहेंगे 50 खिलौने दिला दिए भगवान कायनात ने हमें, हम फिर भी रोते रहेंगे और नहीं है नहीं है हमारे पास तो कुछ नहीं है तो क्यों दिलाएगा कोई। लेकिन अगर हम वाकई हैप्पी फील करेंगे वाओ मेरे पास तो 50 हैं वाओ देखो कैसे फिर और 50 आते हैं, सेम चीज अप्लाई होती है। आप अपने आप को बच्चों से कंपेयर करके देखना अपने बचपन में, या आपके बच्चे हैं तो, या आप किसी के साथ में अभी रहते हैं जिनके बच्चे हैं, कॉन्स्टेंटली उनसे कंपैरिजन करते रहना कि वो बच्चा कैसे कर रहा है और मैं कैसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बी प्लेफुल, बी चाइल्ड लाइक, एकदम हमेशा थैंकफुल, हमेशा अप्रिशिएटिंग एक्नॉलेजिंग वॉट एवर यूनिवर्स हैज गिवन अस। जितना अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करेंगे हम यूनिवर्स को कि हाँ थैंक यू तुमने ये दिया मुझे, थैंक यू तुमने वो दिया मुझे, उतना ही और मिलता चला जाएगा, उतनी अबंडेंस और अट्रैक्ट होती चली जाएगी। बच्चों के माइंड में ना ये परफेक्ट होने का दौरा नहीं होता है। ये जब जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं और जहां ये आने लगता है ना अरे हमें इस चीज में भी अच्छा होना है, ये भी अच्छा करना है, वो भी अच्छा करना है, वहीं से सारी मिस्टेक शुरू हो जाती है। तो और अब जाके समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहे थे वो तो पागलपन था। मैंने बी लाइक बच्चा कोई पसंद कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है ठीक है, इट्स ओके, मैं खुद को बहुत चाहती हूं। सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप, अपना केयर करो तभी यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में, मतलब सिंस ऑल आर फीमेल्स राइट नाउ तो मैं हस्बैंड के बारे में बात करती हूँ कि हम चाहते हैं हमारा हस्बैंड हमारे पे ध्यान दे या हमारे फादर हमारे पे ध्यान दे अगर जिनकी शादी नहीं हुई, तो पहले खुद तो अपना ध्यान रखो।
वर्कशॉप में मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर माँ के दो बच्चे हैं, एक को हर एक चीज नहीं चलती है और एक को कुछ भी चल जाता है, तो माँ को कॉन्स्टेंटली उसका ध्यान रखना पड़ेगा जिसको कुछ नहीं चलती है। माँ हमेशा सोचेगी अरे इसको है ना ऐसी वैसी चीज नहीं चलती है, ऐसे वैसे रोटी नहीं चलती है, इसको ऐसा देना पड़ेगा, इसको ऐसे सब्जी कटोरी में देनी पड़ेगी। हम हमेशा कॉन्स्टेंटली उसी का ध्यान रखते हैं जो अपना खुद का ख्याल रखता है, और जिसको कुछ भी चल जाता है, चावल भी डाल दिया, दाल भी डाल दी, सब्जी भी डाल दी, कटोरे में दे दिया, वो उसको माँ वैसे ही दे देती है, चलो यार बेटा तू तो खा ले, उसको नहीं चलेगा ऐसा। जैसे मैं ना पार्ले जी टूटा हुआ बिस्किट नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेंक दूंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी उसको, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, तो वो ललित के साथ सामने सका देती हूँ। तो एवरीबडी नोज दिस कि मैं टूटा हुआ बिस्किट नहीं खाती हूँ, तो मुझे कोई टूटा हुआ बिस्किट नहीं देता है प्लेट के अंदर। तो वैसे ही आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो, तभी दूसरे लोग आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स हाई करेंगे। आप चाहते हो सामने वाला मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, मुझे अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे मैं जो कर रही हूँ घर के लिए, पहले खुद तो करो अपने आप को एक्नॉलेज, खुद तो अपने लिए वो सेल्फ लव डेवलप करो। अनु, एक क्वेश्चन है, जिसे अभी तुमने एग्जाम्पल दिया ना, तो एक क्वेश्चन इसी किचन के एग्जाम्पल पे, जो मुझे आफ्टर मैरिज, कि जैसे आई डोंट ईट अ बासी फूड, जैसे सुबह बना तो इवनिंग में नहीं, इवनिंग का सुबह नहीं, बट माई एट माई इन लॉ साइड दे टेक, तो मैंने वो एग्जाम्पल सेट किया कि मुझे नहीं खाना है, अपन फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश ही खाएंगे। बट जब मैंने सेट करने लगी, बोले नहीं यू हैव अ नखरा, ये नखरे होते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट द फूड। मैं कहना आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट, मेरे पेट को मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, आई कैन नॉट डाइजेस्ट बासी फूड मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू मॉर्निंग। बात अलग है कि हाँ हम लोग को कई मजबूरी में खाना, जैसे बासीड़ा आता है, शीतला अष्टमी खाना है, कई ट्रेवलिंग में तो खाना है, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। नाउ दे हैव टर्न कि दे डोंट ईट मॉर्निंग टू इवनिंग एंड इवनिंग टू मॉर्निंग। अब तो मैं बोलती हूँ भैया खा लो यार, आज इच्छा नहीं है बनाने की, चल जाएगी आलू की सब्जी, अब तो खा लेंगे, एक बार तो खा लो यार, तुझको अब तो ये होता है। मेरी और मेरी बहन की शादी मतलब ऐसे फैमिलीज में हुई है जहाँ प्याज गार्लिक घर में नहीं आता है, किचन में नहीं आता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मेरी फैमिली माय मॉम साइड मंगलवार को प्याज नहीं बनता तो वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है, अरे आज प्याज नहीं है, ओ मंगलवार है, अच्छा। तो मतलब मैंने तो आके एडजस्ट कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला कि ठीक है अब नहीं आता नहीं आता। हालांकि मैं खाना मन से नहीं खाती थी, ट्रस्ट मी मैं मन से नहीं खाना खाती थी, आज भी मुझे प्याज की सब्जी मिल जाए और मिस्सी रोटी मिल जाए, आहा वो तल्लीनता से जो खाती हूँ ना मैं, जैसे पिज्जा खाती हूँ मैं एकदम तल्लीनता से, वैसे वाली खाती हूँ, वरना वही दो फलके आज खाना है, पेट्रोल डालना है टाइप्स हो रहा है। लेकिन मेरी बहन ने कह दिया मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी, तो उसकी सासू माँ ने फिर अरेंजमेंट्स किए कि भैया हाँ इसको तो भैया प्याज की सब्जी चाहिए, तो अपने आप चेंजेस हो गए उसके घर में वो सब, और मेरे घर में नहीं हुए। अच्छा एनी अदर शनि, कहते हैं ना, जो एडजस्ट करते हैं उसको एडजस्ट करवाते रहते हैं, हाँ सही, एग्जैक्टली, जो नहीं करते हैं उनके लिए फैमिली टर्न हो जाती है कि यार नहीं होगा, ये एडजस्ट नहीं करेगी, अपन ही करो एडजस्ट। बिल्कुल। जैसे मेरा है, मुझे कहीं बाहर जाते हैं तो ओके लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।